गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पार्ट फाइव पढ़ा था, पार्ट फाइव में हमने सारे टेंस के सेंटेंसेस को समझा, एक्टिव पैसिव किस तरह से बनाए जाते हैं फॉर्मूला के जरिए हमने समझा। आज हम पढ़ेंगे गोइंग टू वाले सेंटेंसेस। अक्सर हम क्या करते हैं, गोइंग टू को गॉन टू में चेंज करते हैं, जो कि हमारा सेंटेंसेस क्या सारे रॉन्ग हो जाते हैं। गोइंग टू के फॉर्मूलेस लिख लो आप, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर गोइंग टू ओके फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए हम क्या करते हैं, गोइंग टू को ये गॉन में चेंज करते हैं, तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। गोइंग टू वाले सेंटेंस कभी भी गोइंग टू वाले जो सेंटेंसेस बनते हैं उसमें गोइंग टू को हमें चेंज नहीं करना है। जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो गोइंग टू का सेंटेंस किस तरह चेंज होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, आपको पता है फॉर्मूला, गोइंग टू के एज इट इज आपको रखना है उस वर्ड उस मतलब पैसे के सेंटेंस में बनाते समय। उसके बाद आएगा बी के बाद उसकी थर्ड फॉर्म और बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक। इसके फिर नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखिए आप, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस गोइंग टू प्लस बी भी ओके थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका इंटरोगेटिव का सेंटेंस कैसे बनेगा, फर्स्ट में इज एम आर आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क। इन डब्ल्यू एच एस में हु वाला देख लीजिए आप, हु प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, इसका पैसिव बनेगा बाय होम इज एम आर फिर ऑब्जेक्ट फिर गोइंग टू बी प्लस उसकी थर्ड फॉर्म इंट्रोगेटिव मार्क। ये थे सारे तुम्हें गोइंग टू वाले सारे सेंटेंस के एक्टिव टू पैसिव के फॉर्मूलाज। अब इनके सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं हम। राम इज going to teach me English, says not going to read this novel. Are you going to buy some gifts from market? Who is going to call me? Who is going to call me tomorrow?
देखिए आपके सामने मैंने चार सेंटेंस दिए हैं एक्टिव के, इन्हें हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इन्हें पैसिव में चेंज करना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस कैसे चेंज होगा, मी, जैसा कि मैंने बताया जब आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट साथ में आते हो तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेना है, तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा मी का सब्जेक्ट होगा आई, आई के अकॉर्डिंग आई एम गोइंग टू बी टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। सेकेंड ऑब्जेक्ट हमेशा मैन वर्ब के जस्ट बाद, फिर राम का बाय नेम का बाय नेम, तो ये सेंटेंस बनेगा आई एम गोइंग टू बी टॉट इंग्लिश बाय राम। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव का है, दिस नॉवेल इज नॉट गोइंग टू बी रीड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस में सम गिफ्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा, और सम गिफ्ट्स गोइंग टू बी बॉट फ्रॉम मार्केट बाय यू क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस तरह से बनेगा। एंड द लास्ट सेंटेंस इज मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट में बाय, जैसे आपको पता है हु के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय हूँ, फिर एम आएगा मी का पे हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा गोइंग टू, फिर बी कॉल्ड टुमारो क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस तरह से बनेंगे। तो ये थे सारे गोइंग टू के सेंटेंस, जैसा कि हमने फॉर्मूले पहले बनाए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंसेस लिखे। तो फर्स्ट सेंटेंस होगा राम इज गोइंग टू बी टीच मी इंग्लिश का सेंटेंस बनेगा आई एम गोइंग टू बी टॉट इंग्लिश बाय राम। सेकेंड सेंटेंस इज ही इज नॉट गोइंग टू रीड दिस नॉवल, जिसका होगा दिस नॉवल इज नॉट गोइंग टू बी रीड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आर यू गोइंग टू बाय सम गिफ्ट फ्रॉम मार्केट, इसका होगा आर सम गिफ्ट्स गोइंग टू बी बॉट फ्रॉम मार्केट बाय यू। जैसा कि मैंने बताया अदर वर्ड जो भी होता है उसे आपको बाय प्लस सब्जेक्ट्स के पहले लिखना है, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज हु इज गोइंग टू कॉल मी टुमारो, इसका होगा बाय हुम एम आई गोइंग टू बी कॉल्ड टुमारो क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टूड। ये थे गोइंग टू वाले सेंटेंसेस, एक बार ध्यान रखना आप गोइंग टू वाले सेंटेंसेस को गॉन टू में चेंज नहीं करना है। बहुत से बच्चे को मैं मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं गोइंग टू को गॉन में चेंज करते हैं, वो सेंटेंस उनका रॉन्ग हो जाता है। गोइंग टू वाले सेंटेंस में गोइंग टू एज इट इज ही रहेगा, गोइंग टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, अंडरस्टूड। ओके नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट हम देखते हैं अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते क्या हैं? अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस बनाते हो, जैसे आपको पता है हम एक्टिव से जब भी पैसिव में सेंटेंस बनाते हैं लास्ट में हम लिखते हैं बाय प्लस सब्जेक्ट, अंडरस्टूड। लेकिन अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में बाय प्लस सब्जेक्ट्स का यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें ये कैसे पता रह चलेगा कि अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो पहले हम ये जानेंगे कि अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होते क्या हैं। देखिए आप someone, no one, nobody, somebody, children, police, people, all are unimportant subjects. ये सारे तो मैं आपके सारे ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, सम वन नो वन नो बड़ी सम बड़ी चिल्ड्रन पुलिस पीपल, ठीक है। ये सारे जब भी आपके सेंटेंस में एक्टिव के सेंटेंस में यूज होते हैं तो जब भी इनको आप बाय जब इसको पैसे में चेंज करते हैं तो बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। यूज इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये सारे क्या कहलाते हैं अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, अंडरस्टूड। अब देखिए इनके सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, हम देखिए आप
उनके पास वो सेंटेंस हो जाएगा। देखिए सेंटेंस, समवन हैज स्टॉलन माय पर्स, नो वन टीच मी इंग्लिश, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, पुलिस अरेस्टेड द थीव्स। देखिए अब आप चारों सेंटेंस में देखिए, आपको मैंने एक्टिव के सेंटेंस दिए हैं। फर्स्ट जो सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट कैसे हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का मतलब ये होता है जब भी इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करोगे तो बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं होता। देखिए सेंटेंस कैसे बनेंगे, फर्स्ट सेंटेंस होगा माय पर्स हैज बीन स्टॉलन बाय समवन, नहीं होगा सिर्फ स्टॉलन तक ही आपको वर्ब सेंटेंस बनाना है। तो बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज इसमें नहीं होता क्योंकि समवन क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था। तो हमें कहाँ तक लिखना है, सिर्फ स्टॉलन तक ही लिखना है। नाउ नेक्स्ट होगा नो वन नेगेटिव वर्ड है, सो यहाँ पे होगा आई एम नॉट टॉट इंग्लिश। चिल्ड्रन वाला सेंटेंस में बनेगा क्रिकेट इज बींग प्लेड फुल स्टॉप। और लास्ट सेंटेंस होगा द थीव्स वर अरेस्टेड, बाय प्लस पुलिस का यूज नहीं होगा, बाय प्लस चिल्ड्रन का यूज नहीं होगा। तो ये थे हमारे सारे अनइम्पोर्टेंट सेंटेंसेस। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हमें जैसा काम करना है, मैंने बताया कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का आपको कभी बाय प्लस सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं करना है क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। जैसा कि बताया अनइम्पोर्टेंट का मतलब ये होता है कि वे सब्जेक्ट जिनका बाय प्लस सब्जेक्ट्स में यूज में नहीं होना। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिए, समवन हैज स्टॉलन माय पर्स का बनेगा माय पर्स हैज बीन स्टॉलन, स्टॉलन तक ही बनेगा, बाय समवन का यूज नहीं होगा क्योंकि समवन क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स था। नाउ नेक्स्ट है नो वन टीच मी इंग्लिश का होगा आई एम नॉट टॉट इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है क्रिकेट इज बींग प्लेड, और लास्ट सेंटेंस है द थीव्स वर अरेस्टेड। तो ये थे हमारे सारे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। Thank you. Good morning, student. This is our lesson number 6, rural development, and this is part 5. We already learned in this lesson, 4 part we already have learned that there is a productive, what are the production in rural area and how we can improve, how government improve that, and what are the scope to improvement in that area, all we have learned. Today we are going to learn about सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। हिंदी मीडियम ध्यान दे, छठा लेसन पढ़ रहे हैं अपन, छठा पार्ट है अपना और उसका भाग पांचवा है, और भाग पांचवे में आज अपन पढ़ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग। सस्टेनेबल मतलब ऐसा डेवलपमेंट, इस तरह का डेवलपमेंट जो टिका रहे, बना रहे। देखो डेवलपमेंट होते हैं लेकिन क्या होता है, थोड़ा अच्छा हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद वापस कुछ ऐसा हो जाता है कि हम आगे बढ़ते बढ़ते पीछे आ जाते हैं, तो वो डेवलपमेंट बना नहीं रहता। जैसे कोई बच्चा अच्छा पढ़ने लग गया अचानक से, है ना, पहले काफ़ी डम था या नहीं पढ़ता था, आलसी था इसलिए नहीं पढ़ रहा था, अब उसमें एक लगन लग गई, वो पढ़ने लग गया, पढ़ते पढ़ते अच्छे मार्क्स लाने लग गया, फर्स्ट टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाया, सेकेंड टेस्ट में बहुत अच्छे लाया, और हाफ ईयरली में आते 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 उसको वापस पढ़ाई उसने छोड़ दी,
और वापस वो उसके मार्क्स कम आए और वापस थर्ड टेस्ट में उसने अच्छा पढ़ा और वापस लास्ट एग्ज़ाम जो होती थी फाइनल एग्ज़ाम में उसमें उसने इतना कुछ खास नहीं पढ़ा, ठीक ठीक पढ़ा, तो फाइनली उसका जो रिज़ल्ट बनेगा उसमें उसके मार्क्स कैसे रहेंगे, ना ज़्यादा अच्छे रहेंगे ना ज़्यादा बुरे रहेंगे, मतलब डेवलपमेंट उसका जिस हिसाब से वो बढ़ा उसी हिसाब से कभी कभी घटा भी है, तो डेवलपमेंट उतना कुछ खास नहीं रहेगा। तो वही है कि डेवलपमेंट होता है देश का तो उसको बने रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ने वाले है ना, प्राकृतिक तरीके से। खैर फार्मिंग कृषि तो प्राकृतिक ही तरीके से ही होती है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। इन रिसेंट ईयर अवेयरनेस ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड ऑन आवर हेल्थ इज ऑन अ राइज। देखो हम ज़मीन से उगी हुई ताज़ी चीज़ों को अच्छा समझ के और मतलब प्रकृति से हमें जो भी मिलता है वो शुद्ध साफ और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, वैसे ही ज़मीन में उगे हुए अनाज या फल सब्जी वगैरह इन्हें हम अच्छा समझ के और हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं। जैसे पहले के लोग जो थे, पहले के ज़माने में क्या होता था, हम गरीब वगैरह सब थे हमारा देश, लेकिन पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, मतलब रसायन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। उसकी वजह से फ़ायदा ये होता था कि रसायन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता था या होता ही नहीं था, तो उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन जो भी उत्पादन होता था वो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुँचाता था ना कि नुकसान, है ना। अब रसायन का इतना अच्छा इस्तेमाल होता है कीड़े वगैरह मारने के लिए वगैरह ये सब करने के लिए, तो वो तो मर जाते हैं, उत्पादन अच्छा होता है, बड़ी ज़्यादा गेहूँ उगते हैं, ज़्यादा सब्जियाँ फल उगते हैं, या वो ख़राब नहीं होते वगैरह, लेकिन वो सब जब हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियों का कारण बनते हैं। जैसे कि कैंसर का भी कारण ये पेस्टिसाइड होते हैं बहुत हद तक, इसीलिए तो कहा जाता है फल को सब्जियों को अच्छा रगड़ कर धो कर खाओ, है ना, क्योंकि इनमें पेस्टिसाइड होता है। अभी तो फ़िलहाल हर कोई कर रहा है ये काम, ज़्यादा ही कर रहा है क्योंकि कोरोना है, कोरोना भी का भी डर है, कोरोना के भी कीटाणु वायरस कहीं उन पर जमे हुए ना हो, तो हम उन्हें धोते हैं और अच्छे से खाते हैं वगैरह, लेकिन ऐसे भी इन पेस्टिसाइड से हमारे शरीर को नुकसान होता है, हमारी आँखों की रोशनी कम हो जाती है, हमारी हड्डियाँ गलने लगती है, मतलब कमज़ोर हो जाती है। आजकल लोगों को नहीं होता, सबको, सभी लोगों को घुटनों में दर्द होता है, किसी को हाथ में भी दर्द होने लग जाता है होते होते, किसी को गर्दन में भी दर्द होने लग जाता है, मतलब पूरे शरीर में पेन होता रहता है, थकान लगती है, तरह तरह की नई नई बीमारियाँ सुनने में आ रही है। तो इन सब का कारण कहीं ना कहीं ये रासायनिक पेस्टिसाइड्स वगैरह या इन सब के इस्तेमाल की वजह से होने वाले कारण हो सकते हैं। और ये सारे चीज़ें हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाने की जगह और नुकसान पहुंचा देती है, तो इन सब चीज़ों को हमें देखना होगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर रिलाइज हैवीली ऑन केमिकल फर्टिलाइजर एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा विच एंटर द फूड सप्लाई, पेंट्रेट द वाटर सोर्स, हार्म द लाइफ स्टॉक, डिप्लीट द सॉयल एंड डिवास्ट नेचुरल इकोसिस्टम। एफर्ट्स इन इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज विच आर इको फ्रेंडली आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड वन सच टेक्नोलॉजी विच इज इको फ्रेंडली इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि बिल्कुल जो खादे वगैरह बनाई जाती है वो बिल्कुल उन्हीं चीज़ों से बनाई जाती है जिसमें रसायन वगैरह नहीं होते। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है इसमें कैसी पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता, रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जैसे गोबर गैस होती है ना, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती है जो प्राकृतिक होती हैं और उन्हीं की खाद बनाई जाती है जिससे ये सारी जो चीज़ें उगती है इन्हें हम जब खाते हैं इस्तेमाल करते तो हमारे शरीर को नुकसान नहीं होता।
इस तरह के सारे चीज़ें होती है उसमें, और ये इको फ्रेंडली होती है। हाँ, इसमें ये थोड़ी महंगी होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग महंगी होती है, पेस्टिसाइड काफ़ी सस्ते होते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ध्यान देना पड़ता है और थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा है, और मेहनत भी ज़्यादा है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है। ऑर्गेनिक फूड जो मिलते हैं, ऑर्गेनिक जो अनाज या सब्जियां, फल वगैरह मिलते हैं, ये बहुत महंगे भी होते हैं, पर लोग इन्हीं को ख़रीदना चाहते हैं क्योंकि उनसे शरीर को फ़ायदा होता है और ये हमारे इकोसिस्टम को भी बनाए रहते हैं। विच एंटर द फूड सप्लाई पेनेट्रेट द वाटर सोर्स हार्म द लाइफ स्टॉक डिपीटेड द सॉयल एंड डिवास्टेड नेचुरल इकोसिस्टम एफर्ट्स इन इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी विच आर इको फ्रेंडली आर असेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन वन सच टेक्नोलॉजी विच इज इको फ्रेंडली इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन शॉर्ट, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज अ होल सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रीस्टोर मेंटेन्स एनहांस द इकोलॉजिकल बैलेंस। देर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड टू एनहेंस फूड सेफ्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखो, ना सिर्फ ये केमिकल वाले जो खाद या जो भी छिड़काव करते हैं, ये सिर्फ हमारे लिए हानिकारक नहीं, वो ज़मीन जहाँ पे ये चीज़ें उगती है वहाँ पे वो डालते हैं, तो ज़मीन भी क्या होती है, अनुपजाऊ होती जाती है, ज़मीन को भी नुकसान पहुँचता है, उसकी प्रोडक्टिविटी पे भी उसका असर होता है, और इकोसिस्टम जो है हमारा वो भी इम्बैलेंस होता है। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इकोसिस्टम को बनाए रखती है, उससे कोई हार्म भी नहीं होता। देखो, कुछ कीड़े तो ऐसे भी होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, है ना, कुछ ऐसे कीटाणु भी है जो हमारे शरीर के लिए भी ज़रूरी है। हम सारे ही कीटाणु मार देंगे तो वो कीटाणु भी मर जाएंगे, है ना, और उससे हम और कमज़ोर भी हो जाएंगे, तो इस तरह का ही कुछ इफ़ेक्ट यहाँ पे भी होता है। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑफर्स अ मीन्स टू सस्टेनेबल कॉस्टलायर एग्रीकल्चर इनपुट सच एज HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा विच लॉयल्टी प्रोड्यूस लोकली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक इनपुट्स दैट आर चीपर एंड देयर बाय ग्रेटेड जनरेटेड गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑल्सो जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट एज द डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप इज ऑन अ राइज। Studies across countries have shown that organically grown food has more nutritional value than chemical farming, thus providing us with healthy foods. Since organic farming require more labor input than conventional farming, India will find organic farming an attractive proposition. Finally, the produce is pesticide free. Produce is an environmentally sustainable way, popular way. देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग के फ़ायदे क्या हैं? अगर हम केमिकल वाले चीज़ें उगाते हैं तो खेती को भी नुकसान होता है, अगली बार प्रोडक्शन और कम हो जाता है, और ये सारी चीज़ें महंगी भी आती है, पेस्टिसाइड वगैरह ये सब, HYV सीड्स वगैरह। और ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं ये सस्ती आती है, हमारे लोकल मार्केट में भी मिल जाती है, और इससे इकोसिस्टम भी बना रहता है। हाँ, प्रोडक्शन हो सकता है उसके मुकाबले थोड़ा कम हो, लेकिन अगली बार प्रोडक्शन और कम होगा ऐसा नहीं होगा, अगली बार शायद प्रोडक्शन और बढ़ भी सकता है या वैसा ही रह सकता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमारे शरीर को नुकसान होने की जगह हमारे शरीर को फ़ायदा होता है, जबकि उस वाली फार्मिंग में हमारे शरीर को फ़ायदा होने की जगह नुकसान होने लग जाता है। तो ये इसमें एक बड़ा अंतर है। और जब देश में लोग बीमार होते रहेंगे, दवाई लेते रहेंगे, तो वो जो कमाएंगे उनका खर्चा तो दवाइयों में हो जाएगा, है ना, वो स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, तो देश का डेवलपमेंट कैसा होगा, देश के लोगों की जो आयु का जो औसत आयु रहती है वो औसत आयु क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब औसत आयु कम हो जाएगी तो कैसा डेवलपमेंट कहा जाएगा ये, है ना, तो डेवलपमेंट तो उसको बोलेंगे जब देश के लोगों की औसत आयु भी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो। तो यही चीज़ हमें देखनी है। ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस कॉटन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो कॉटन उगाया जाता है, जो कपास उगाया जाता है, वो ऑर्गेनिकली ही उगाया जाता है, मतलब ये देसी चीज़ों का इस्तेमाल करके ही उगाया जाता है, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। नीड टू यूज़ एड्रेस्ड अपार्ट फ्रॉम एन एप, एक
मिनट यहाँ पे पॉपुलराइजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर अवेयरनेस एंड विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ फार्मर टू अडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स आर मेजर कंसर्न विच नीड टू बी एड्रेस्ड अपार्ट फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर पॉलिसी to promote organic farming. It has been observed that the yield from organic farming are less than modern agriculture farming in the initial year. Therefore, small and marginal farmer may find it difficult to adapt to large scale production. Organic produce may also have more blemish and a shorter shelf life than sprayed produce. Moreover, choice is production of off-season crop is quite limited in organic farming. Nevertheless, organic farming helps in sustainable development of agriculture, and India has a clear advantage in producing organic products for both domestic and international market. Do you think food and non-food item cultivated using organic farming method will be cheaper? देखो organic farming का ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिर्फ ये नहीं होता कि जैसे दूसरी जो फार्मिंग होती है केमिकल वगैरह यूज़ करके और करते हैं उस फार्मिंग में क्या होता है कि सीज़न नहीं होता तो भी चीज़ें उग जाती हैं उगा देते हैं वो लोग है ना उसमें कोई टेस्ट नहीं होता बहुत सी बार आपने खाया होगा कोई फ्रूट और आपको कोई टेस्ट नहीं आया होगा वो फ्रूट बहुत जल्दी जल्दी उगाया गया इंजेक्शन देके और कोई केमिकल्स वगैरह यूज़ करके तो उसमें कोई टेस्ट नहीं है और वो सीज़न का गुड नहीं है अभी जो सीज़न चल रही है उसका गुड खाओगे उसका फ्रूट खाओगे आप है ना या उसका क्रॉप खाओगे तो आपको ज़्यादा टेस्टी लगेगा और नॉन सीजनल क्रॉप खाओगे तो वो ऑर्गेनिक तरीके से नहीं उगाया गया उसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ किए तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यही होता है कि जिस चीज़ का सीज़न नहीं है वो चीज़ें ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा उगाई नहीं जा सकती बस ये एक चीज़ है तो वो चीज़ हमें खानी भी नहीं चाहिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा उगाई जाए वही चीज़ें खानी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी रहती है ना हमारे शरीर को भी फ़ायदा देती है जैसे कि अभी ठंडी का समय तो भी सारी गर्म चीज़ें ज़्यादा उगेगी जैसे कि खजूर वगैरह पीन खजूर जो होते हैं वो और ड्राई फ्रूट्स और ये सब लोग लेते हैं यही आप गर्मी में खाओगे तो आपको नुकसान ही पहुँचाएगा है ना और तब वो उगते भी नहीं है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना अभी जो फ्रूट्स आते हैं वो भी अभी खाने लायक होते हैं अभी जो क्रॉप्स उगती है जैसे ज़्यादातर मक्का क्रॉप्स अपन खाते हैं ठंड के समय तो वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होती है तो यही सब चीज़ें थी यही ऑर्गेनिक फार्मिंग में आती है और आई होप सो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग समझ में आई होगी है ना